लगता है सीआईएससी अपने 2023 से बाहर नहीं निकली और 2024 के बारे में सोचना भी नहीं चाहती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो लेटेस्ट अपडेट या रिजल्ट है या इंफॉर्मेशन कह लीजिए, वह यह है कि स्टूडेंट जो 2023 के बोर्डिंग एडमिशन दिए फ्लडेड कर दिए हैं कि वे सीआईएससी के रिजल्ट को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है। अब सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब हो जाता है कि अनसेटिस्फाइड है। स्टूडेंट जो पास किए हैं सो जिनके कंपार्ट लगे हैं वे भी, और जो स्टूडेंट फेल किए हैं लकीली 1% से बहुत कम है, लेकिन सभी स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड क्यों है। इवन कई सारे स्टूडेंट जिन्होंने 91% से 93% 95% और 96% मार्क्स प्राप्त किए हैं, उनके भी रिपोर्ट्स हैं कि वे अपने स्कूलों में जा रहे हैं बार बार अपने मार्क्स के वेरिफिकेशन को लेकर, मार्क्स के कम आने को लेकर, और संबंधित टीचर से या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके मार्क्स को बढ़ाया जाए। हालांकि ऐसा प्रोविजन भी है कि यदि स्कूल चाहे तो अपने स्टूडेंट के फेवर में सीआईएससी को लिख सकती है, किसी स्टूडेंट के रिजल्ट पर रिकंसिडर किया जा सकता है और उस पर एक्शन भी होता है, और ऐसे में स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ते हैं। पास्ट में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। अब 2023 क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर तीन बातें आप जान लीजिए। पहली बात कि ऐसे स्टूडेंट जिनके कंपार्ट लगे हैं और कंपार्ट में माइनर डिफरेंसेज रहे, पास मार्क्स 33% ओवरऑल क्लास टेंथ के लिए और 35% आईएससी के लिए, और किसी के 33% के जगह 32% आए, 31% आए, ऐसे में स्टूडेंट स्वाभाविक रूप से अपने स्कूल से और सीआईएससी से बोल रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो 35% आईएससी के हैं जिनके 32% आ गए, 31% आ गए, वो भी 33% वाले भी आईएससी के स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो मार्क्स के कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी की संभावनाएं हो सकती हैं। दूसरी बात बोली गई है कि बहुत सारे टॉपर हैं जिनके 95% आने चाहिए, 92% आए, 93% है, कुछ के तो मार्क्स स्ट्रेंजली कम आए हैं जो कि नहीं होने चाहिए, और ऐसा नॉर्थ जोन में बहुत देखने को मिल रहा है। स्कूल में या सीआईएससी को जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है या ड्राफ्ट बताता है कि स्टूडेंट इस समय मार्क्स को लेकर इतने अनसेटिस्फाइड हैं, इसके पीछे के कारण है कि जितनी मार्क्स को वो मैथ में एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिजिक्स में एक्सपेक्ट कर रहे थे, केमिस्ट्री में, मतलब साइंस सब्जेक्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे क्लास टेंथ वाले, क्लास ट्वेल्थ में तो सेपरेट, बायोलॉजी में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि उनके पेपर बहुत अच्छे गए, मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे। और इवन एक टॉपर का तो ऐसा मसला आया है कि वो कह रहा है कि उसके 100% मार्क्स आने चाहिए थे और आए हैं 78%। स्कूल पशुपेस में है, और यह घटनाएं आने का मतलब है कि अब सीआईएससी के सामने कई सारी बातें हैं और उसको लेकर रिकंसिडर करना होगा। तो क्या किसी तरह के मार्क्स अपडेट या चेंजेस की संभावना है? जनरली ऐसा लगता नहीं है, लेकिन इस बात पर विचार भी किया जाना होगा। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यदि बहुतायत में, बहुत भारी संख्या में और इतनी जबरदस्त संख्या में इस तरह की बातें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है। क्योंकि इस बार इंटर स्टेट आंसर शीट इवैल्यूएशन, मतलब एक स्टेट की कॉपी को दूसरे स्टेट में भेजा गया और दूसरे स्टेट की कॉपी को पहले स्टेट में भेजा गया, किसी अन्य स्टेट में भेजा गया, इसके कारण से मार्क्स के इस तरह के डिफरेंसेज आ रहे हैं, और ये डिफरेंसेज बहुत ही बड़े लेवल पर भी हैं और कहीं पर माइन्यूट लेवल पर है। माइन्यूट लेवल पर एडजस्टेबल है, लेकिन बड़े लेवल पर है उसको एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। नंबर या डेटा मैंने जो भी है संबंधित सोर्सेज के रिविलेशन के कारण नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जो डेटा अभी प्राप्त हुए और इन्फॉर्मेशन थे मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आप बने रहने हैं। यदि आपको भी इस तरह की परेशानी हुई है तो आप कमेंट में इस तरह की अपनी बातें कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना याद।